अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, मेरा नाम देवोश्री कृष्ण शर्मा है, और अगर मैं आपको अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय जर्नी, सो जर्नी वाज इट वाज फैंटास्टिक, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतना मतलब ड्रिल ऑन में अपने आप को करूँगा फॉर दिस पेजेंट. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अच्छा रहा काफ़ी. तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए. मैं पहले सबको टाइम नहीं दे पा रहा था इंडिविजुअल वन बाय वन, सो आई डिसाइडेड कि मैं सबको एक बार एक जगह मिलूँ, सो दैट यू नो आप सबसे मिल सकूँ. बाकी अगर ग्लैमॉन के बारे में पूछेंगे, इट वाज वंडरफुल जर्नी, काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला. मैं जतिन खेरबिर जी से मिला ग्लैमॉन में, मैं मानदुआ माँ से मिला, मैं जतिन जी से मिला, मतलब काफ़ी लोग से. इट वाज लाइक 7 days जर्नी, 7 दिन में काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने का मौका मिला. एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, इतने बड़े लोगों से मिलूँगा. इट जस्ट मेरा मैं डेस्टिनी कह सकता हूँ या फिर अपनी डिटर्मिनेशन कह सकता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसका मैंने फ़ायदा उठाया. मैंने अपनी मेहनत करी और अपना जो है टाइटल लेके आ गया, जीत के आ गया. आगे की मेरे यही है कि मैं थोड़ा सोशल वर्क करना चाहता हूँ. काफ़ी टाइम से मैं चाहता ही था कि मैं सपोर्ट करूँ कुछ ऑफन एज को या फिर कुछ ओल्ड एज को, एंड आई एम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, आई एम अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो इन सब एसोसिएशन के लिए कुछ करना चाहूँगा. स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे जम्मू में हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको एक मौका नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. तो मैं उन सब आर्टिस्ट लोगों के लिए इन फ्यूचर थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड कर एसोसिएशन बनाना चाहूँगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट, हर एक इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है. और यहाँ पर मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं वो एक्सपीरियंस के बारे में शेयर नहीं करना चाहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है. तो मैं कुछ ऐसे सिचुएशन से बीता जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे साथ तो दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बट बाकी आर्टिस्ट के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया. एंड वो आर्टिस्ट काम ना होने की वजह से, एक अपने पैशन होने की वजह से उन सब लोगों ने वो व्यवहार सहा. तो मैं चाहूँगा आने वाले टाइम पे मैं जम्मू से ही स्टार्ट करूँ, और बहुत जल्दी मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ. जब मैं अपने ग्लैमॉन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इंटरनेट ने मुझे डोगरा कल्चर के बारे में कुछ नहीं दिखा. मैंने सर्च किया गूगल में डोगरा, जम्मू डोगरा ट्रेडिशनल ड्रेस, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी ने भी आज तक हमारे डोगरा कल्चर की जो बेसिक ड्रेस होती है वो नहीं अपलोड करी. तो अब आई वॉन्ट टू टेक द इनिशिएटिव, ये सारा काम मैं खुद अपने आप करूँगा, और मैं स्टार्ट करूँगा अपनी स्टेट से, जम्मू से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं कश्मीर में जाऊँगा, देन आई कीप मूविंग ऑल ओवर द इंडिया, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. एंड आई रियली वॉन्ट टू शो पीपल के हु वी आर, हमारा एग्जैक्ट एक्चुअल कल्चर क्या है. तो सिर्फ ये अपना वेशभूषा से नहीं होगा, बाकी हमारे ट्रेडिशन जो हैं मैं उनको भी आगे प्रमोट करूँगा. और येस, फ्यू थिंग्स आर इन पाइपलाइन. मेरी वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है, जैसे ही मेरी वेबसाइट एक्टिव होगी उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगा, और उस ब्लॉगिंग में मैं अपने जम्मू कल्चर से ही स्टार्ट करूँगा.